आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे को फंक्शन। को फंक्शन पढ़ने का मेन रीजन ये है कि मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन 150 का, साइन 135 का, साइन 240 का, साइन 330 का। अगर को फंक्शन की हेल्प से हम लोग सारा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, ये सारा वैल्यू सबसे पहले देखना होगा ये को फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम सारे वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। हाँ, याद रखना है एक्स एक्सिस पे क्या रखना है कॉस थीटा, वाई एक्सिस पे क्या रखना है साइन थीटा। तो एक्स एक्सिस जो होता है नीचे और ऊपर दोनों तरफ पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये हुआ कॉस थीटा भी नीचे और ऊपर क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसी तरह से y एक्सिस होता है, y एक्सिस की इस तरफ जो भी वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, y एक्सिस की इस तरफ जो वैल्यू होता है वो भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन थीटा का इस तरफ जो वैल्यू होगा वो भी पॉजिटिव होगा, इस तरफ जो वैल्यू होगा वो भी पॉजिटिव होगा। उसी तरह से बात करते हैं यहां पे, जैसे यहां पे cos थीटा रखेंगे वैसे यहां पे क्या रखेंगे, यहां पे भी क्या रखेंगे cos थीटा बट माइनस में, क्योंकि एक्स एक्सिस भी माइनस में रखा, इसका मतलब यह हुआ कॉस थीटा यहां निगेटिव होगा, यहां पे क्या होगा कॉस थीटा निगेटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली क्या करना है, यहां पे वाई डैश यहां पे रखना है साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या है यहां साइन थीटा क्या होगा निगेटिव होगा। जब यहां पे साइन थीटा निगेटिव होगा इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव और इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव, इतनी सी बात ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है, अब इस क्वाड्रेंट को दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको दिखाने के लिए सिंपल थीटा आ सकते हैं ऐसे, एक आधा थीटा को दिखा सकते हैं, दूसरा क्या दिखा सकते हैं इसी वैल्यू को, है ना, 90 माइनस थीटा कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को, और फर्स्ट क्वाड्रेंट को कैसे दिखा सकते हैं ये पूरा क्या होता है 60 डिग्री, लिख सकते 360 प्लस थीटा। ये तीन तरीके से क्वाड्रेंट को दिखा सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को। उसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट को दिखाने का तरीका क्या होगा 90 प्लस थीटा, हाँ, दूसरा क्या है 180 माइनस थीटा, इसके जस्ट ऊपर, ये पूरा क्या होता है 180, इसका मतलब जस्ट ऊपर की बात कर रहे हैं तो 180 माइनस थीटा होगा। अब जैसे इस यहां से नीचे की तरफ बढ़ेंगे इसका मतलब क्या 180 प्लस थीटा हो सकता है, 180 प्लस थीटा, हाँ। दूसरा क्या है, अगर ये यहां से जस्ट यहां से छोटा की बात की, यहां से यहां तक क्या होगा पूरा यहां से यहां तक क्या होगा 270 होगा, 270 होगा, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट जो होगा 270 माइनस थीटा। देखिए ध्यान से देखिएगा तो एक ही क्वाड्रेंट को अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, पहला क्वाड्रेंट को हम दिखाया 90 माइनस थीटा या सिर्फ और सिर्फ थीटा जो कि पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा क्या है 360 प्लस थीटा, ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भी क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्लियर। उसी तरह से इसको दिखाया 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा ना, उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट को दिखाया 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट को दिखाने के लिए क्या करेंगे 270 प्लस थीटा और सेकंड क्या होगा 270 प्लस थीटा, अब टोटल क्या हो यहां से यहां तक 360 होता है, इसका मतलब जिसको 360 है ना यहां से यहां तक 360 है तो मान लेते हैं ये यहां से यहां तक 360 है, इसका मतलब ये 360 माइनस थीटा भी कह सकते हैं उसको, एक ही क्वाड्रेंट को अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। अब इतनी सी बात समझ में आ गई, अब कैसे करना ये को फंक्शन क्या हो, तो सबसे पहले को फंक्शन आइडेंटिटीज को समझने के लिए क्या करना होगा रेफरेंस को जानना जरूरी है। तो रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, आप भी कोई भी फंक्शन हो साइन फंक्शन हो कॉस फंक्शन हो टैन कॉस सेक कॉसेक कोई भी फंक्शन आप किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं, किस रेफरेंस का मतलब ये क्या आप एक्स एक्सिस के रेफरेंस से बात कर रहे हैं साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक, या आप फंक्शन के बात कर रहे हैं वाई एक्सिस के रेफरेंस में।
जिसके रेफरेंस में बात करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है अगर रेफरेंस को बदलने पे। अगर एक्स एक्सिस मेरा अगर रेफरेंस होगा तो एक्स एक्सिस मेरा रेफरेंस कितने तरीके से हो सकता है ये ध्यान रखना। तो एक्स एक्सिस का रेफरेंस का मतलब ये हो गया, एक्स एक्सिस का रेफरेंस का मतलब ये हुआ साइन, साइन एक्स एक्सिस ये है ना प्लस थीटा है ना। दूसरा साइन अगर एक्स एक्सिस के रेफरेंस देखें तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है एक्स रेफरेंस है, उसके जस्ट पहले की बात कर रहे हैं। अगर 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का मतलब क्या, क्या हम एक्स एक्सिस ही रेफरेंस रहा है मेरा, ठीक है। उसी तरह से हम और भी लिख सकते हैं एक्स एक्सिस को हाँ साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, देखिए 360 प्लस थीटा और साइन 360 माइनस थीटा। इस तरह से हम फंक्शन को रेफरेंस से लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस मेरा भी रेफरेंस रहा था और साइन फंक्शन के लिए है। देखो क्या, जब भी एक्स एक्सिस रेफरेंस रहेगा तो जो भी फंक्शन है साइन कॉस टैन कॉट कॉस कोई भी फंक्शन हो, सिर्फ रेफरेंस अगर एक्स एक्सिस रहा इसका मतलब ये हो गया तो फंक्शन का वैल्यू जो होगा वो बिल्कुल जो यहां है वही फंक्शन यहां होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना फिर से। जो रेफरेंस अगर एक्स एक्सिस मेरा रेफरेंस रहा तो जो साइन फंक्शन है वो भी साइन फंक्शन ही रहेगा। इसका मतलब ये साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, साइन साइन थीटा होगा। अब यार ना ये भी क्या होगा साइन थीटा होगा, ये भी क्या होगा साइन थीटा होगा, क्लियर। क्योंकि ये एक्स एक्सिस मेरा रेफरेंस है इसकी वजह से मेरा फंक्शन में कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। बट अब साइन देखते हैं क्या 180 माइनस थीटा का मतलब ये, यहां पे साइन फंक्शन क्या होता है देखिए, अगर यहां पे देखा जाए तो साइन फंक्शन क्या होता पॉजिटिव था, इसलिए यहां पे क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब 180 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा, साइन फंक्शन यहां पे, यहां पे साइन देखा जाए तो क्या होगा निगेटिव हो रहा है। ध्यान से देखिए यहां पे निगेटिव फंक्शन है, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा। अगर साइन फंक्शन 360 प्लस थीटा की बात करें तो 360 प्लस थीटा ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट देखो क्या है, क्या ये पॉजिटिव है, यस ये पॉजिटिव है, इसलिए भी क्या होगा पॉजिटिव होगा ना। अगर 360 माइनस थीटा की बात करें, 360 माइनस थीटा इसका मतलब इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे, इस क्वाड्रेंट में बात कर रहे, इसका मतलब ये साइन थीटा इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, इसलिए क्या होगा निगेटिव होगा। चलिए ऐसे ही एक और चेक करके दिखाते हैं आपको है ना, कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा यहां पे बात करते हैं तो कॉस थीटा ही रहेगा। कॉस थीटा और कैसे लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट। सबसे पहले क्या ये एक्स एक्सिस रेफरेंस है, यस एक्स एक्सिस रेफरेंस है, तो कॉस का तो कॉस थीटा ही रहेगा। बट इसका साइन देखना इंपॉर्टेंट है, साइन कैसे देखेंगे, कॉस थीटा है मतलब ये 180 माइनस थीटा है मतलब ये कि इस क्वाड्रेंट में कॉस देखिए क्या होता है निगेटिव होता है, इसलिए यहां पे कॉस निगेटिव हो जाएगा। अब बात करेंगे कॉस 180 प्लस थीटा। अब देखेंगे सबसे पहले रेफरेंस देखेंगे, रेफरेंस क्या है यहां पे देखेंगे, रेफरेंस 180 प्लस थीटा, इसका मतलब मेरा एक्स एक्सिस ही रेफरेंस है। तो अगर एक्स एक्सिस रेफरेंस होगा तो कॉस तो कॉस ही थीटा रहेगा, कॉस तो क्या कॉस थीटा ही रहेगा। बट अब साइन की बात करते क्या यहां पे पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, उसको देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कॉस 180 प्लस थीटा कहां पे है, कॉस 180 प्लस थीटा यहां पे है, यहां पे देख रहे हैं कि कॉस निगेटिव होता है इसलिए यहां पे कॉस निगेटिव डाल लेंगे। अब बात करते हैं कॉस 360 माइनस थीटा ना, कॉस 360 माइनस थीटा मतलब ये क्वाड्रेंट पहले देखते हैं कौन सा रेफरेंस 360 मतलब यहां आएगा, ये रेफरेंस क्या है एक्स एक्सिस है, तो अगर एक्स एक्सिस है तो कॉस फंक्शन है तो कॉस ही फंक्शन रहेगा। अब देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट में आता है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए क्या यह पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉस 360 प्लस थीटा,
कॉस 360 प्लस थीटा, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के रेफरेंस में से बात कर रहा है। 360 रेफरेंस क्या है, एक्स एक्सिस है, और थीटा क्या है, ऊपर। इसका मतलब ये है कि पहले एक्स एक्सिस की रेफरेंस है, इसकी वजह से कॉस थीटा में ही रहेगा। अब साइन देखेंगे तो साइन कैसे देखेंगे, क्या यहाँ पे कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है कॉस, इसलिए यहाँ पे ये भी क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। साइन कॉस का तो देख लिया, अब टैन का देखते हैं। अब बात करते हैं टैन थीटा, अगर टैन थीटा है तो टैन थीटा ही रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस में रेफरेंस है, क्लियर है। हाँ अब बात करते हैं ध्यान से, टैन है ना, टैन, हाँ बात करते हैं टैन 180 माइनस थीटा की बात करें, क्या 180 कौन सा रेफरेंस है, एक्स एक्सिस रेफरेंस है, इसलिए जो है टैन 180 माइनस थीटा जो होगा टैन थीटा ही रहेगा। बट अब यहाँ पे साइन देखना है, साइन यहाँ पे टैन क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉस निगेटिव है, साइन बाई कॉस टैन होता है, इसलिए क्या होगा, टैन यहाँ पे निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव डाल दिया। अब बात करते हैं टैन 180 प्लस थीटा की, है ना, 180 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, इस क्वाड्रेंट में। पहले हमको क्या देखना है, रेफरेंस, रेफरेंस क्या है, 180 प्लस थीटा मतलब ये एक्स एक्सिस में रेफरेंस है, तो एक्स एक्सिस रेफरेंस होने की वजह से ये जो टैन थीटा है टैन थीटा में ही रहेगा। बट अब देखना है साइन, टैन थीटा यहाँ पे देखो कौन सा टैन थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, टैन भी क्या होगा, दोनों डिवाइड होके क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं ना। हाँ अभी बात करना टैन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा इसका मतलब क्या होगा, 360 माइनस थीटा मतलब ये अभी भी डिफरेंस मेरा एक्स एक्सिस है, इसलिए टैन का तो टैन ही रहेगा, टैन में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। अब देखते हैं क्या होगा इसका साइन, टैन 360 माइनस थीटा का साइन, तो साइन निगेटिव कॉस पॉजिटिव, टैन निगेटिव हो जाएगा, साइन बाई टैन थीटा क्या होता है, साइन बटे माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, पूरा टैन थीटा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं टैन 360 प्लस थीटा की, 360 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, कौन से क्वाड्रेंट में, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट से पहले देखना क्या देखते हैं, रेफरेंस लाइन देखना है। 360 मतलब क्या, ये एक्स एक्स रेफरेंस है, ऊपर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि मैं टैन थीटा में ही रहेगा, बट दोनों यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव होगा। ये अभी जितना भी डिस्कशन बात किया वो एक्स एक्सिस में ना रेफरेंस रहा, तो एक्स एक्सिस पे रेफरेंस में हम क्या देख रहे हैं, देख ये है कि फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। हाँ साइन तो अलग चीज है, साइन देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन हाँ फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता अगर एक्स एक्सिस मेरा रेफरेंस रहेगा तब। अब देखते हैं मेरा वाई एक्सिस रेफरेंस होता होगा तो क्या होगा, क्या देखते ध्यान से। हाँ हाँ अगर वाई एक्सिस रेफरेंस होगा इसका मतलब ये साइन 90 प्लस थीटा, वाई एक्सिस रेफरेंस है, प्लस थीटा माइनस थीटा है ना। और उसके बाद देखते हैं वाई एक्सिस का मतलब ये साइन 270 माइनस थीटा, वाई एक्सिस रेफरेंस है ना, 270 माइनस थीटा, और साइन 270 प्लस थीटा की बात कर लेंगे। नहीं देखिए ध्यान से, जब भी हम बात करेंगे y एक्सिस की, जब भी बात करेंगे हम लोग y एक्सिस की, तो क्वाड्रेंट जो भी y एक्सिस की, जब भी हम लोग बात करेंगे y एक्सिस की, तो जो फंक्शन है साइन फंक्शन जो है वो कॉस फंक्शन में बदल जाएगा। साइन फंक्शन किस में बदल जाएगा, कॉस फंक्शन में बदल जाएगा। साइन फंक्शन किस में बदल जाएगा, कॉस फंक्शन में बदल जाएगा। साइन फंक्शन क्या है, कॉस फंक्शन में बदल जाएगा हमेशा। अगर वाई एक्सिस मेरा रेफरेंस रहेगा तो साइन फंक्शन किस में बदल जाएगा, कॉस फंक्शन में। अब साइन की बात आती है, साइन क्या होगा, पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन का देखिएगा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिख दिया। इस क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले लिया है ना। इस 270 माइनस थीटा की बात करें, इसका मतलब क्या है, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, निगेटिव होता है, निगेटिव डाल दिया। अगर फोर्थ, अगर उसके बाद देखते हैं साइन, हाँ 270 प्लस थीटा इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या रेफरेंस लाइन, तो वाई एक्सिस मेरा अपना, इसलिए तो कॉस में बदल गया। अब साइन देखते हैं, तो साइन यहाँ पे 270 प्लस थीटा, यहाँ पे साइन देखो क्या है, साइन निगेटिव होगा, इसलिए निगेटिव हो जाएगा है ना। उसी तरह से यहाँ पे कॉस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हाँ
कॉस की बात कर लेते, कॉस 90 माइनस थीटा है ना, कॉस 90 माइनस थीटा डिफरेंस मेरा वाई एक्सिस आया इसलिए कॉस थीटा क्या बदल जाएगा, साइन थीटा में बदल जाएगा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव डिग्री में, तो कॉस 90 प्लस थीटा देखते क्या होगा, अब कॉस 270 माइनस थीटा देखते क्या होगा, और कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा ये देखते हैं। हाँ, कॉस 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा है ना, इस क्वाड्रेंट में आएगा, इसका मतलब ये हो गया। पहले डिफरेंस देखो क्या ये y एक्सिस डिफरेंस है, अगर ये y एक्सिस डिफरेंस होगा तो क्वाड्रेंट जो कॉस है वो किस में बदल जाएगा, साइन में। ये क्या है, ये साइन थीटा, ये भी क्या है y एक्सिस ही रिफरेंस है, ये भी क्या बदल जाएगा, साइन में ही बदल जाएगा, ये भी क्या है, साइन में ही बदल जाएगा। बात समझ में आ गई। हाँ, अब साइन देखते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा इसका मतलब कॉस यहाँ पे बात कर रहे, कॉस यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे कॉस नेगेटिव डालेंगे। 270 माइनस थीटा इसका मतलब 270 माइनस थीटा यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या होगा, कॉस यहाँ पे क्या होता है निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव डालेंगे, कॉस यहाँ पे 270 प्लस थीटा देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो तो कॉस थीटा क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये ऑल अबाउट था कैसे को फंक्शन आइडेंटिटी बदलता है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे क्वेश्चन से कुछ है, और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसका अलावा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो कुछ वैल्यू निकालते हैं, पहले देखते हैं है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं साइन 150 के वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन 150 है ना, तो साइन 150 मतलब क्या होगा, साइन 90 प्लस 60 नहीं, अच्छा सबसे पहले 90 प्लस 60 मतलब मेरा डिफरेंस क्या है, y एक्सिस है, ये तो क्लियर। अगर y एक्सिस है तो क्या डिफरेंस, अगर y एक्सिस होगा तो साइन किस बदल जाएगा, cos थीटा में, मतलब cos 60 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन देखते हैं, साइन क्या होता है, 90 प्लस थीटा मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए क्या cos पॉजिटिव होगा। cos 60 का वैल्यू जो होता है ना साइन 1/2। ठीक है, उसी तरह से हम देखते हैं साइन 135 का वैल्यू कैसे होगा, हाँ साइन 135 का, जी साइन 135 को ले सकते क्या, हमको देखना क्या साइन, मुझे देखना क्या साइन 135 का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है, तो साइन 135 का निकला साइन 90 और प्लस 45 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखना है रिफरेंस कौन सा है, वाई एक्सिस 90 है, इसका मतलब वाई एक्सिस रिफरेंस है, एक साइन किस में बदल जाएगा कॉस 45 में। अब साइन देखते हैं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो 90 प्लस 45 मतलब ये साइन यहाँ पे बात करें सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इसलिए कॉस 1/√2 हो जाएगा। उसी तरह से साइन 240 की बात करें ना, 240 की बात करें इसका मतलब क्या है, साइन 240 नहीं, इसको ऐड से कर सकते क्या, साइन 180 प्लस 60 240 हो गया, अब तो साइन ही रहेगा, साइन 60 ही रहेगा, बट अब साइन की 60 होगा इसका साइन निगेटिव होगा या पॉजिटिव ये देखना है ना, तो साइन 180 प्लस सीधा साइन 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 का मतलब ये हुआ ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होगा, इसलिए कारण साइन निगेटिव हो जाएगा, इसलिए साइन 60 का मान क्या होगा √3/2। अब बात करते हैं साइन 300 का भी निकाल सकते हैं, साइन 300 का भी निकाल सकते हैं है ना, साइन 300 कैसे निकालते हैं, साइन 90 साइन 300 का निकालेंगे, दो तरीके से निकाल सकते हैं साइन 100 300 का, पहले निकाल सकते हैं 270 प्लस 30, इस तरह से साइन 300 का निकाल सकते हैं। तो मुझे पता है ये कौन सा रिफरेंस है, वाई एक्सिस के रिफरेंस है, तो साइन तो साइन ही रहेगा है ना, साइन 30 होगा। अब देखना होगा 270 प्लस 30, 270 प्लस 30 का मतलब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, इसलिए निगेटिव डाल दिया यहाँ पे, साइन 30 का वैल्यू निकाल दिया 1/2 माइनस साइन के साथ। या इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते, ध्यान से देखिए, इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते साइन 300 का, साइन 300 पे ऐसे भी सकते साइन साइन 360 माइनस 60 नहीं, तो साइन 360 माइनस 60 मतलब 300। अब 360 कौन सा रिफरेंस है, क्या ये x एक्सिस रिफरेंस नहीं, हाँ अगर ये x एक्सिस रिफरेंस है तो इसका मतलब साइन 30 का साइन साइन ही में रहेगा, इसलिए साइन 30 हो जाएगा। हाँ अगर साइन 30 की बात करें, सॉरी
अब देखो यहाँ डिफरेंस कौन सा है, एक्स एक्सिस डिफरेंस है। अगर एक्स एक्सिस डिफरेंस है तो साइन फंक्शन क्या होगा, साइन 60 का साइन 60 ही रहेगा। साइन 60 का मान जो होगा है ना, ओ शिट गलती हो गया, हाँ देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं साइन 300 का। हाँ साइन 300 का निकालना है, साइन क्या होगा, साइन 360। हाँ हम देखिए ध्यान से देखिए, हम साइन का वैल्यू निकालना चाहते हैं इस तरह से, साइन का वैल्यू निकाले, साइन क्या हो 270 प्लस 30 है ना, 270 प्लस 30 का मतलब क्या होगा, ये 270 प्लस 30 300 हो जाएगा। इसलिए साइन मतलब ये 270 है, मतलब वाई एक्सिस क्या मेरा क्या है, रेफरेंस लाइन है। इसलिए क्या होगा, साइन जो अगर वाई एक्सिस रेफरेंस लाइन होगा तो कॉस 30 हो जाएगा। अब देखना साइन 270 प्लस 30 का मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव रख दिया। कॉस 30 का मान जो होता है -√3/2। एक ही चीज दो अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब ये रहे आपका होमवर्क, ये आपको होमवर्क करना है आपको ना, ये पूरा वैल्यू फाइंड आउट करना है। आज की ट्रिगोनोमेट्री में यही रहे हो।